welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about how to update Aadhaar card online. Friends, जैसा कि आपको पता है कि अगर आपका जो आधार कार्ड है वो 10 साल पुराना है तो आपको लिए जरूरी है कि आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा दो. 14 सितंबर 2023 लास्ट डेट है अपडेट की. अगर आप इस डेट तक अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाते तो आपको चार्जेस भी पे करने पड़ सकते हैं. 14 सितंबर 2023 तक ये सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसलिए जरूरी है कि आप इस डेट तक अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लो. अपडेट करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल है. आपको यहाँ पर कहीं भी बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है. आपने इस वीडियो को कॉन्टिन्यूसली वॉच करना है. आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे और आप इजीली घर बैठे बैठे अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं. तो इसके लिए आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, कंप्लीट वॉच करना है, तभी आपको सारे स्टेप्स क्लियर होंगे और आप इजीली अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पर UIDAI एंटर करना है. तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा. यहाँ टॉप पर आपके पास जो लिंक आएगा आपने इस लिंक पर क्लिक करना है. जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा. मैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करूंगी. तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो होगा. आपने इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है. जैसे ही आप इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास यहाँ पर अपडेट आधार में अपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा एंड चेक स्टेटस का ऑप्शन आएगा. आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है. तो अब आप यहाँ पर UIDAI के मेन इंटरफेस पर एंटर हो जाओगे. आपने यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है. तो अब इस पेज पर सबसे पहले आपने अपना आधार नंबर एंटर करना है. देन आपने कैप्चा कोड एंटर करना है. कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है. तो अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा. आपने वो सेम OTP यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है. तो अब यहाँ पर आपको सर्विसेज से रिलेटेड कुछ ऑप्शन शो होंगे. हम यहाँ पर अपने आधार कार्ड को अपडेट करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है डॉक्यूमेंट अपडेट. इसमें हमें मेंशन है कि ये सर्विस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है 14 सितंबर 2023 तक. तो हमने यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है. जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें शो होगा. यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स मेंशन है कि डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. हमने यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है. देन हमने यहाँ पर भी नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है. तो अब आपको आपकी डेमोग्राफिक डिटेल्स शो होंगी. आपने इन्हें एक बार वेरीफाई करना है. अगर आपको लगता है कि ये डिटेल्स सही हैं तो आपने इस चेकबॉक्स पर टिक करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है. तो अब आपके सामने यहाँ पर गाइडलाइंस दी हुई हैं कि हमने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. तो इसके लिए जो आपका डॉक्यूमेंट साइज है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आपका जो फाइल का फॉर्मेट है वो भी JPEG, PNG और PDF की फॉर्म में होना चाहिए. तो इसलिए हमने यहाँ पर अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो हमारे इसी फॉर्मेट में होने चाहिए. तो यहाँ हमने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में अपना कोई भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है. आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट इनमें से अवेलेबल है आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं. मैं यहाँ पर अपना पैन कार्ड सिलेक्ट करूँगी. ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है. अब हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है. इसके लिए व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है. तो अब आपने यहाँ पर कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है. तो आपका यहाँ पर फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा. यहाँ से आप अपना पैन कार्ड सिलेक्ट करोगे. देन आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है. अब आपने प्रूफ ऑफ एड्रेस में अपना कोई डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है. तो मैंने अपना यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लिया है. अब हमने इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है. इसके लिए व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है. अब फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा. यहाँ से मैं अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगी. देन ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करना है. तो अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है. देन हमने इस चेकबॉक्स पर टिक करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है. तो जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा. यहाँ पर लिखा हुआ है दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 सितंबर 2023. तो हमने यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है. हमने यहाँ पर कोई भी फीस पे नहीं करनी क्योंकि 14 सितंबर तक ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो स्टेटस है वो सक्सेस शो हो रहा है. हम यहाँ से अपनी जो स्लिप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए हमने यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है. जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो डाउनलोड हो चुकी है. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सारी डिटेल्स मेंशन है. तो इस तरीके से आप घर बैठे बैठे अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं.
आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे बिना चार्जेस पे किए अपने आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं। आई होप आपको सारे स्टेप्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।